हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से। हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब ढलने की ओर जाती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3,26,058 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण हालात और कोरोना वैक्सीनेशन के प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं के सप्लाई और उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लें। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है, इसे हम बहुत जाने बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं, और इसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की ओर से लागू किया गया कोरोना कर्फ्यू असरदार साबित हो रहा है। अब कोरोना महामारी से पूरी तरह जंग जीतने के लिए योगी सरकार ने ये कर्फ्यू 24 मई सुबह 7 मई तक बढ़ा दिया है। बंगाल में कोरोना से एक दिन में 5 चिकित्सकों की मौत हो गई है। सुबह में अब तक कोरोना की चपेट में आकर 127 चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। चिकित्सकों की मौत पर वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने गहरा शोक जताया है। वहीं जानकारी के मुताबिक कोलकाता के ढाकुरिया इलाके में स्थित आमरी अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट सुबी दत्ता, जो कि 85 वर्ष के थे, उनका भी कोरोना से निधन हो गया है। देश के होनहार पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में मुख्य आरोपित ओलंपियन सुशील कुमार और उनके साथी अब भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अलावा उत्तर पश्चिम जिले की पुलिस भी सुशील कुमार के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस राजधानी के अलावा हरियाणा और झारखंड में भी छापेमारी कर रही है, लेकिन 12 दिन के बाद भी सुशील कुमार हाथ नहीं आ सके। चक्रवाती तूफान की आहट करीबी है। लक्षद्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, इसे लेकर जोखिम वाले इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF अपनी टीमों के साथ तैयार है। दूसरी ओर विस्तारा और इंडिगो ने प्रतिकूल मौसम देखते हुए उड़ानों को रद्द करने का फैसला ले लिया है। NDRF के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने बताया है कि मुंबई में 3 टीम, गोवा में 1, पुणे में 14 टीम तैनात है। अभी 250 किलोमीटर की दूरी पर तूफान टुकाते आज रात या कल सुबह तक महाराष्ट्र पहुंचेगा। तेलंगाना सरकार के एक आदेश के चलते आंध्र प्रदेश के 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों मरीज इलाज के लिए हैदराबाद आ रहे थे, लेकिन कुर्नूल में अंतर्राज्यीय सीमा पर तेलंगाना पुलिस ने बिना ऑनलाइन परमिट एम्बुलेंस को प्रवेश देने से मना कर दिया। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दूसरे राज्यों से कोरोना मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस को राज्य में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया था। इसराइल और फलिस्तान के बीच अब युद्ध और तेज हो गया है। गाजा में इसराइल और फलिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क गई है। यहां इसराइल बलों के साथ एक हिंसक झड़प में 11 फलिस्तीनियों की मौत हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी जारी कर दी है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इस संघर्ष में अब तक बच्चों के साथ सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। चीन के रोवर को मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता मिली है। देश के पहले रोवर के साथ चीन एयरक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच गया है। इसकी पुष्टि शनिवार को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA की ओर से की गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।